अम्मा से प्रार्थना करते हैं, मां मां मुझे क्या करना चाहिए बताओ। खान केवल आ नहीं रहा था, सारी प्रजा को रौंदता हुआ आ रहा था, रौंदता हुआ। दुख इस बात का था, दो वीरों का युद्ध नहीं था, सारी संस्कृति का, सारे समाज का संपूर्ण नाश करता हुआ वह आ रहा है। रात्रि में भगवती भवानी माता ने शिवाजी को दर्शन दिया और यह बात शिवाजी ने दूसरे दिन सबको बताई है। उत्तिष्ठ तत्त्वम् नरसिंह शीघ्रम युद्धस्व युद्धस्व पराक्रमेण पुरो विदारम नव दैत्यमेन निहत्य बिंदस्व यशस्वियंच। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी शुभा, डरने की आवश्यकता नहीं है, विवेक से आगे बढ़ो। सव्युत्थित स्वप्न समाधितोपि निमील्य नेत्रे स्थितवांश्चिराय ध्यायन् स्मरन् मंगल मंगलं तत् ज्योतिः स्वरूपं जगदंबिकाया। यह प्रसंग शिवाजी के जीवन में पहली बार नहीं है, अनेक बार शिवाजी महाराज इसी प्रकार ध्यान में बैठ जाते थे, उनको ध्यान में आदेश हुआ करते थे। इसका पूरा वर्णन है। मित्रों के साथ उनकी चर्चा आरंभ हुई, उनके एक अत्यंत श्रेष्ठ हितचिंतक कान्हो जी जो कुछ दिनों पहले उनसे अलग हो गए थे, वे स्वयं चले आए। देखो कभी कभी भगवत कृपा से बिछड़े हुए लोग भी मिल जाते हैं, शक्ति वृद्धिंगत हो जाती है। और कान्हो जी ने कहा, शुभा तुम्हारा मेरा कुछ मतभेद रहा होगा तो रहा होगा, यह संकट धर्म के ऊपर है, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ क्योंकि तुम हमारे धर्म के आशा स्थान हो। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है मित्रों, पतंजलि हमारी संस्कृति का अत्यंत बड़ा आशा स्थान है, सर्वदा इसके साथ जुड़े रहना। अभी तो कार्य का आरंभ हुआ है, सच्चा कार्य तो अभी दिखने वाला है, इसके आगे दिखने वाला है। ये तो स्वामी जी के इतना समय सारा न्यू में ही गया है। हमारा एक पूरा वर्ष राम जी के मंदिर के न्यू में चला गया, बाद में मंदिर जल्दी जल्दी हो गया, अब न्यू का काम पूरा हो गया है, अब अगला काम जल्दी होने वाला है। एकाएक एक दूत आकर के पहुंचा, अफजल का पत्र लेकर के आया है वो। दूत का नाम कृष्णाजी भास्कर है और उसने आते ही समझाया है खान अत्यंत बड़ी सेना लेकर के आ रहा है। अज्ञानिना हतधिया गिरिमूषकेण शाहात्मजेन रिपुणा शिवनामकेन मोहाज्जिता कलुजा पुरराज्यवश्या
नाना विदाही गिरिजांगल सिंधु दुर्गा यक्किंतु दुर्मतिरनादर मत्र पत्रे संदर्शयिष्यति मना गपि शत्रुवश्यः भूगर्भलीनमपि तं हि गवेषयित्वा यंत्रे कुटुंब सहितं खलु निष्पिशामि। सीधे सीधे अब्दल के पत्र का अर्थ है, अत्यंत उन्मत्त होकर के अदिल शाह की सत्ता को चुनौती देने वाला ये शिवा, उसको आज्ञा की जा रही है कि वो चुपचाप हमारी शरण में आकर के बीजापुर चले, छिपने का प्रयास न करें, उसके परिवार सहित उसको खोज करके हम पीस डालेंगे यदि उसने हमारे पत्र का अनादर किया है। शिवाजी ने इस पत्र को पढ़ा, कहा मैं इसका उत्तर कल दूंगा। मित्रों के साथ वार्ता की, हमें क्या करना चाहिए। हा पश्चिमेस्मिन् वैसि प्ररोहे चित्ते मदीयम् अभिलाष बंध्ये। कुछ दिनों पूर्व जिस कान्हो जी के साथ शिवाजी के मतभेद थे, उस कान्हो जी ने कहा मेरा शरीर चाहे गिर जाए, मेरे प्राण चले जाए, लेकिन शिवाजी तुम्हें पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, मैं स्वयं अकेला नहीं आया हूं, अपने सजनों को लाने के लिए मैं वापिस जा रहा हूं, लेकिन स्वधर्म की रक्षा के लिए तुम्हें इस कार्य में मेरा परिपूर्ण सहयोग रहेगा। उस पत्र को लेकर के कान्हो जी स्वयं अपने ज्ञाति बांधवों के पास गए। निष्ठावान लोग कैसे साथ में होने चाहिए इसको देख लो। अपने लोगों को इकट्ठा किया और कहा धर्म की, समाज की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध शिवाजी को अफजल खान ने यह पत्र भेजा है और मैंने निश्चय किया है कि मैं इसमें शिवाजी का साथ दूंगा। आप लोग क्या करना चाहते हैं आप अपना निश्चय कीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा शिवाजी के बचने से धर्म बचेगा, शिवाजी के रहने से राष्ट्र सुरक्षित होगा, शिवाजी के रहने से हमारी माता बहने बचेगी, हमारे कुल की इज्जत बचेगी। कान्हो जी ने सुंदर भाषण किया, लोगों ने कहा कान्हो जी हम प्रतिज्ञा करते हैं, एक काम करो हमारे सामने इस पापी के पत्र को जलाओ, उसके पास समाचार भेजो कि तुम्हारे पत्र को हमने जलाया है और तुम्हें जलाने के लिए हम खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र के गांव गांव में लोगों का उत्साह इस प्रकार खड़ा होने लगा, संकट छोटा नहीं है, संकट बहुत बड़ा है। महाराज राजगढ़ पर है, जिदा माता के पास गए, कामा प्रगाढ़ भक्त्या प्रणनाम पूज्यौ साष्टांग पातम चरणौ समातु। साष्टांग वंदन करके शिवाजी ने कहा मां, माता भवानी ने तो मुझे आदर आदेश दिया है और तुम्हारे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। जिदा माता ने कहा शिवाजी प्रसंग बहुत गंभीर है, लेकिन मैं यही तुम्हें कहने वाली हूं, सावधान रह करके और धीरे धीरे इस कार्य में आगे बढ़ो। मेरा मन बहुत चाहता है तुम्हारे भाई की हत्या का बदला तुम्हारे द्वारा लिया जाना चाहिए,
मैं तुम्हें इतना ही कहूंगी कि इस पापी को वापस लौट करके मत जाने देना, इसको यहीं पर खत्म करना। ये जिजा माता का स्वयं का आदेश। छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी ने भी कहा आपका यही कर्तव्य है। शिवाजी महाराज ने खड्ग को बाहर निकाला, तलवार में अपना प्रतिबिंब देखा, कहा वा मेरी भवानी माता का भी यही आदेश है। अब आप लोग यहां पर सुरक्षित रहिएगा, मैं प्रतापगढ़ पर जाता हूं, क्योंकि अब जिस प्रकार का कार्य हम लोगों को करना है उसके लिए प्रतापगढ़ जैसा अन्य कोई स्थान नहीं है। व्यक्ति को सबसे पहले स्थान का चयन करना आना चाहिए। सफलता के लिए योग्य स्थान पहले आवश्यक है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक अधिष्ठान। शिवाजी महाराज के मन में जो कार्य था उस कार्य के लिए तो प्रतापगढ़ सर्वोत्तम स्थान है। आकर के शिवाजी महाराज ने आसपास के सारे वीरों को इकट्ठा किया। नेताजी पालकर सेनापति है, कागली योजना हमें कैसी बनानी चाहिए। शिवम सखाय संप्राप्ता विजया इव विक्रमम। सारे इकट्ठे हो गए। गुप्तचर ने आकर के कहा कश्चिदास्म कष्टेन राजन्न दिजितो ऋणा तदीयो भूमि दुर्गोसौ प्रिय शिरवलाभिदा। शिरवल का किला अफजल खान ने ले लिया। वो एक एक गांव को उजाड़ता हुआ, किलों को अपने वश में करता हुआ, लूट पाट करता हुआ ही आ रहा था। धैर्य के साथ महाराज इन सब बातों को सहते हैं। अब उनके खास दूत का आगमन हुआ। इस दूत ने जिसका नाम कृष्णाजी भास्कर है, अफजल खान का दूत है ये, उसने सीधे सीधे उपदेश किया। विजापुर की सेना का आपको पता नहीं, उसमें से अफजल खान कितनी सेना कितना बल लेकर के आया है आपको पता नहीं। उसका पराभव करना तो छोड़ो, उसके सामने खड़े रहने की भी शक्ति किसी में नहीं। आपके कल्याण के लिए बोल रहा हूं महाराज। अफजल की सारी शर्तें मान्य करके आप अपना समर्पण कर दीजिए। हितोपदेश मित्येवं श्रावयित्वा प्रसन्नधी। ये दूसरा पत्र अफजल ने आपके लिए भेजा है। शिवाजी ने कहा संध्या वंदन की बेला है, आप भी संध्या कीजिए, मैं भी करता हूं। और उसके पश्चात शिवाजी महाराज ने कल मैं पत्र का उत्तर दूंगा ये बताया। क्या है पत्र में? त्वया दुर्मते सह्य गर्भाश्रितेन मनुष्याकुना दुष्ट चेष्टो हितेन यद्यावधि प्रत्यपह अपहारि किंचित तदागत्यमत्पादयोरर्पणीयम्। मैं तुम्हें आदेश करता हूं शिवा, अब तक तुमने जो कुछ लूटा है सब लाकर के मेरे चरणों में रखो। मैं तुम्हारे साथ युद्ध करना नहीं चाहता हूं। तुम मेरे साथ युद्ध करने के लिए योग्य भी नहीं हो, तुम दुर्बल हो। अरे कोई शेर कोई चूहे के साथ युद्ध करता है क्या? तुम्हें खत्म करने के लिए मेरे पास जो सामान्य सरदार लोग है वही बस है।
अपने जीवन के महत्व को पहचानो, बलाबल का विचार करो, चुपचाप शरण में चले आओ। तुमने अब तक बहुत पाप किया है, उस सारे पाप का प्रायश्चित तब होगा जब मैं तुम्हें यहां से पकड़ करके बीजापुर ले जाऊंगा, नहीं तो चुपचाप शरणागति मान्य करो। शिवाजी महाराज ने पत्र पढ़ा, मन में क्या था बताया नहीं, उत्तर कल दूंगा बोल दिया और दूसरे दिन महाराज ने उत्तर दिया। पंताजी गोपीनाथ बोकिल ये महाराज के स्वयं के दूत हैं, उनको पत्र देकर के महाराज ने स्वयं कृष्णाजी भास्कर के साथ यानी अफजल खान के वकील के साथ, अफजल खान के दूत के साथ अपने दूत को भेजा और पत्र लिखा। ये पत्र क्या है, ये पत्र है संपूर्ण शरणागति साष्टांग दंडवत प्रणाम का पत्र। आप जैसे महापुरुष के सामने मैं क्या कर सकता हूं, आप यहां पर आए, आपके आगमन से मेरी भूमि पवित्र होने वाली है, हम आपके स्वागत की तैयारी करना चाहते हैं। युद्ध की बात क्या, मेरे लिए तो आप अत्यंत आदरणीय हैं। एक बार सेवक के यहां पर पधार करके इसका आतिथ्य ग्रहण कीजिएगा, वैसे तो हम आपके ही है, आपको मांगने की क्या आवश्यकता है, आदेश करने की भी आवश्यकता नहीं है, मेरी मान्यता यह है कि यह सब कुछ जो कुछ है आपका ही है। यद्यपि भवदंत प्रीतिदं भोग्य जातम तदखिलमिह यावत् शक्ति संपादयामि निज सदनमुपेते प्राकृते प्यस्मदीया विदधति खलु पूजां किं पुनस्वे पितु। आप तो मेरे चाचा जैसे हैं, अरे हमारे चाचा भी तो वहां पर आदिल शाह के पास नौकरी कर रहे हैं, आप भी वहां के हैं, तुम्हारे पिताजी के भाई के समान है तो मेरे चाचा के समान हुए। चाचा का स्वागत करना भतीजे का कर्तव्य होता है, आप पधारिए, युद्ध की बात मन में लाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अपने को आपके चरणों में अर्पित करने के लिए उत्साहित हूं, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूं शिवाजी। ये सब शिवाजी से स्वामी जी ने सीख लिया। मन में पक्का निश्चय है कि इस महिषासुर को जगदम्बा के सामने बलि देकर के रहूंगा।